चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षा चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, नीट क्वालिफाई करने वाले हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि एमबीबीएस में एडमिशन लें, मगर एमबीबीएस की कट ऑफ ज़्यादा जाने के कारण गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है, प्राइवेट के लिए इतने पैसे होते नहीं हैं और आगे ड्रॉप भी नहीं ले सकते क्योंकि घरेलू प्रॉब्लम इतनी होती है कि किसी न किसी कोई ऐसी न ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण हम आगे ड्रॉप नहीं ले सकते। और कई कारण ये भी होते हैं कि ड्रॉप ऑलरेडी ज़्यादा हो जाते हैं और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। तो आप आयुष कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं और डॉक्टर बन सकते हैं क्योंकि बीएससी और अन्य कोर्स करने के बाद भी आपको आगे कंपटीशन के लिए प्रिपरेशन करना है और नीट में ऑलरेडी काफ़ी समय आपका वेस्ट हो चुका है। तो इसमें मैं आपको ऑल इंडिया कोटा की जो आयुष की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा, कोर्स वाइज कट ऑफ बताऊंगा। तो कट ऑफ बताने से पहले आपको बता देता हूं कि अगर आप इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं कि आयुष और वेटनरी की पिछली बार कितनी कट ऑफ रही थी, कौन कौन सी कॉलेजें हैं, कैसे हमने ऑर्डर फिल करना है, तो इसके बारे में मैंने बुक लिखी है। तो उस बुक को आप डाउनलोड कर सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट www.chopraeducation.com से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा। तो बीएमएस कोर्स के लिए बात करते हैं। आयुष कोर्स में चार प्रकार के कोर्स आते हैं ऑल इंडिया कोटा के लिए और इसकी काउंसलिंग EEEC द्वारा करवाई जाती है। तो सबसे पहले बीएमएस कोर्स आता है आयुर्वेदा कोर्स, उसके बाद में बीएचएमएस, बीएसएमएस, बीयूएमएस, चार प्रकार के कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाई जाती है। तो हम यहाँ पर बीएमएस कोर्स के लिए बात कर लेते हैं। तो इस कोर्स में तीन चार प्रकार का कोटा होता है। सबसे पहले ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा होता है जिसमें गवर्नमेंट कॉलेजें होती हैं। दूसरा गवर्नमेंट एडेड कोटा होता है जिसमें गवर्नमेंट के अंडर की कॉलेज होती हैं। इसके बाद में बीएचयू है, एनआईए जयपुर है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में शिलोंग आता है। तो ये तीन सेंट्रल यूनिवर्सिटी आती हैं बीएमएस कोर्स के लिए। तो इसके हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें 21 के लिए क्या रह सकती है। तो हम सबसे पहले बीएमएस कोर्स के लिए ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा की बात करें जनरल कैटेगरी की, तो ये 520 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है इस बार के लिए। ये जो मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूँ ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, यानी कि इतनी जा सकती है, ये कोई गारंटी नहीं होती है क्योंकि अभी एमबीबीएस की कितनी कट ऑफ जाती है ये डिपेंड करता है आयुष की कट ऑफ के ऊपर। आयुष और वेटनरी की कट ऑफ एमबीबीएस की कट ऑफ पर ही डिपेंड करती है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक मोटा मोटा सा आइडिया दे सकता हूँ। ये आइडिया मैंने प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को देखते हुए कितनी सीटें होंगी, एमबीबीएस की सीट इंक्रीज होने से इस पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सब पॉइंट देखते हुए बनाई गई है। तो सबसे पहले ऑल इंडिया गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें, इसमें ऑल इंडिया कोटा गवर्नमेंट के लिए बीएमएस कोर्स के लिए जनरल कैटेगरी की 520, ईडब्ल्यूएस ओबीसी की समान सी रहती है, एक दो नंबर का अंतर रहता है। ईडब्ल्यूएस के एक दो मार्क्स ज़्यादा रहती है, ओबीसी के एक दो मार्क्स कम रहती है। तो हम मान लेते हैं कि 515 मार्क्स रह सकती है। एससी कैटेगरी की 405 मार्क्स, एसटी कैटेगरी की 380 मार्क्स। इसके बाद में एडेड की बात करें हम तो जनरल के लिए 510, इसके बाद ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 503 और एससी के लिए 500 और एसटी के लिए 375। जो गवर्नमेंट कॉलेजें होते हैं और एडेड कॉलेजें होते हैं इनमें एजुकेशन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, इनमें सिर्फ फीस का फर्क होता है, यानी कि जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है इनकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसमें हम बात करते हैं आगे बीएचयू के लिए, तो बीएचयू की बात करें तो बीएचयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आता है। जनरल के लिए 590 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है इस बार के लिए लास्ट राउंड में, 587 ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए रह सकती है, 460 कट ऑफ रह सकती है एससी कैटेगरी के लिए और एसटी कैटेगरी के लिए 445 कट ऑफ रह सकती है। अभी हम बात करते हैं एनआईए जयपुर जिसकी भी काफ़ी सारी डिमांड रहती है, काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ जाती है इसकी, तो इसमें जनरल कैटेगरी के लिए 585 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 580 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, एससी के लिए 475 कट ऑफ रह सकती है और एसटी के लिए 447 कट ऑफ रह सकती है। अब हम बात करें सीयू शिलोंग, यानी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंडर बीएमएस के लिए शिलोंग की कॉलेज आती है, उसके लिए जनरल कैटेगरी की 545 कट ऑफ रह सकती है, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए 543 रह सकती है, एससी कैटेगरी के लिए 500
सॉरी 405 मार्क्स और एसटी के लिए 390 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है 21 के लिए बीएमएस कोर्स के लिए। तो ये तो होगी बीएमएस कोर्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये रह सकती है। बाकी ये डिपेंड करेगा एमबीबीएस की कितनी कट ऑफ रहती है उसके बाद में, क्योंकि एमबीबीएस में जाने के बाद स्टूडेंट इन कॉलेजों को लेते हैं, इसकी काउंसलिंग भी एमबीबीएस की जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग हो जाती है ऑल इंडिया की, उसके बाद से ही इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अब बात करते हैं हम बीएचएमएस कोर्स, जो होम्योपैथी कोर्स होता है, इसमें भी दो प्रकार का कोटा होता है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है इसमें। तो इसमें जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा है, जो ऑल इंडिया गवर्नमेंट का कोटा है जनरल कैटेगरी के लिए, बीएचएमएस कोर्स के लिए 455 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 447 रह सकती है, एससी के लिए 345 और एसटी के लिए 320 कट ऑफ रह सकती है ऑल इंडिया गवर्नमेंट कोटा के लिए बीएचएमएस कोर्स के लिए। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया एडेड कॉलेज के लिए, तो इसमें 453 जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 450 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, एससी के लिए 347 रह सकती है और एसटी कैटेगरी के लिए 325 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है इस साल के लिए। अब हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी कोलकाता में जनरल के लिए 510 मार्क्स रह सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 504 मार्क्स रह सकती है, एससी के लिए 350 मार्क्स रह सकती है, एसटी के लिए 380 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी शिलोंग की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए बीएचएमएस कोर्स के लिए 477 मार्क्स कट ऑफ रह सकती है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 470, एससी के लिए 360 और एसटी के लिए 340 कट ऑफ रह सकती है। अब इसके अलावा दो कोर्स और होते हैं, एक बीएसएमएस कोर्स होता है, सीधा कोर्स होता है जो केरला तमिलनाडु में होता है, उनके लिए 4-5 कॉलेज हैं वहाँ, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। इसके बाद में एक यूनानी कोर्स होता है, तो उनमें ये इसमें जो बीएचएमएस की जो कट ऑफ है उससे 3 मार्क्स आप कम कर लें तो ये उन कोर्सेज की कट ऑफ भी सेम सी रहती है। तो इस प्रकार से आप इन कोर्सेज में भी एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस में कहीं एडमिशन नहीं हो रहा है तो आप बीएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं, बीएचएमएस में भी ले सकते हैं, बीयूएमएस और बीएसएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कट ऑफ की जानकारी मैंने आपको दे दी है, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे हम वेटनरी की कट ऑफ बताने के लिए कि आपको अगर एमबीबीएस बीडीएस में एडमिशन नहीं होता है तो वेटनरी कितने नंबर पर मिल सकती है। तो जैसे ही इसके बारे में काउंसलिंग स्टार्ट होगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, मिलते हैं नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।